बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हाजरा दोस्तों, एक और वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है कि हम निज़ान बैंक की जो व्हाट्सएप बैंकिंग है वो कैसे इस्तेमाल वीडियो करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल पर आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले आपने फ़ोन का जो आपका डायलर है उसमें चले जाना है, उसमें आपने निज़ान बैंक का जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर सेव करना है जो कि 021-111-331-331 है। आपने इस नंबर को सेव कर लेना है क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट करके। आप निज़ान बैंक लिख लें या जो आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास निज़ान बैंक ही शो होगा। नंबर सेव करने के बाद आपने चले जाना है अपनी व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में जब आप जाएंगे आपने न्यू मैसेज के अंदर चले जाना है। जब आप जाएंगे तो सर्च में आप निज़ान बैंक को सर्च कर लें। निज़ान बैंक को सर्च करेंगे तो आपके पास निज़ान बैंक की जो व्हाट्सएप है वो शो हो जाएगी। आपने एक चीज़ की तस्दीक कर लेनी है कि आपने यही नंबर सेव करना है, उसके अलावा कि वो नंबर सेव नहीं करना और ना ही आपको किस नाम से मैसेज करेगा। निज़ान बैंक की जो ऑफिशियल अकाउंट की है उसके ऊपर निज़ान बैंक की ये ग्रीन कलर की व्हाट्सएप की टिक लगी होगी कि ये अकाउंट वेरीफाइड है, और नीचे निज़ान बैंक की जो कम्प्लीट डिटेल है वो दी गई होगी। चले हम निज़ान बैंक को मैसेज करते हैं अपने अकाउंट की मालूमात के लिए, देखते हैं हमें क्या रिप्लाई आता है। मैं एक हाई का मैसेज करता हूँ और उसके बाद देखते हैं बैंक हमें क्या रिप्लाई करता है। जी, मैंने बैंक को मैसेज कर दिया है तो मुझे बैंक की तरफ से रिप्लाई आ गया है मेरे नाम के साथ। नंबर वन पे है जी, प्लीज़ टाइप एन ऑप्शन नंबर बिलो टू एक्सेस योर डिज़ायर सर्विस। योर अकाउंट ओवरव्यू, मिज़ान प्रोडक्ट ऑफरिंग, 3 नंबर पे कंप्लेंट है, 4 पे मोर अबाउट इस्लामिक बैंकिंग है। तो मैं अपने अकाउंट का रिव्यू लेता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मैं 1 पे रिप्लाई कर देता हूँ। रिप्लाई करते ही मुझे जो नेक्स्ट मैसेज आ गया है वो बैलेंस इंक्वायरी का है, अकाउंट स्टेटमेंट का है, आई बैन जनरेटर का है और टैक्स सर्टिफिकेट का है। तो मैं जी इसमें अपने अकाउंट का जो है आई बैन जनरेट कर लेता हूँ कि मेरे अकाउंट का आई बैन जनरेट कैसे होगा। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो मैं 1 से रिप्लाई कर दूँगा। तो बिल्कुल जी, 1 से रिप्लाई करते हैं बैलेंस इंक्वायरी के लिए, वो देखते हैं नेक्स्ट रिप्लाई हमारे पास क्या आता है। प्लीज़ टाइप एन ऑप्शन नंबर बिलो टू सेलेक्ट योर अकाउंट। देखिए यहाँ पे मेरा एक अकाउंट है तो मुझे टाइप 1 फॉर आया है। अगर मेरे एक से ज़्यादा अकाउंट होते तो मेरे लिए टाइप 2, 3 या 4 आ सकता था। तो मैं टाइप 1 करके रिप्लाई कर दूँगा तो मे बी मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो जाए। इसी तरह मेन मेन्यू में जाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे मेन मेन्यू में क्लिक करूँगा तो वापस मेन मेन्यू पे आ चुका है। इसी तरह आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, टैक्स सर्टिफिकेट अपना निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। मैं अकाउंट स्टेटमेंट के लिए क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या मेन्यू रिप्लाई आता है। 2 से रिप्लाई करने के बाद देखते हैं कि बैंक की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। फिर से जी मुझे अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं 1 से अकाउंट सेलेक्ट करके रिप्लाई कर देता हूँ। बिल्कुल जी, चूज़ द डिज़ायर्ड पीरियड फ्रॉम बिलो। अगर आपको स्टेटमेंट 1 वीक की चाहिए, 1 मंथ की चाहिए, 3 मंथ की चाहिए या 6 मंथ की चाहिए, जितने अरसे की आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। फर्ज़ करें मैं 3 मंथ की स्टेटमेंट से रिप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। मैंने 3 लिख के भेज दिया है। योर रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस, काइंडली वेट, मीनवाइल वी आर टेकिंग यू बैक टू द मेन मेन्यू फॉर यू कंटिन्यू टू। तो जी बिल्कुल, आपको बैंक की तरफ से रिप्लाई आ गया है और बैंक में भी आपकी जो स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे PDF फाइल में सेंड कर देगा या आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे। तो क्या ये बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है निज़ान बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करने का। एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे रखें कि आपने किसी धोखे वगैरह में नहीं आना। लो जी बिल्कुल जी, मेरे पास लिंक आ चुका है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट का लिंक आने के बाद जी बिल्कुल, जब स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोड लगा होगा और वो जो कोड है वो आपने अपने ID कार्ड के जो 4 डिजिट हैं वो लिखने हैं, उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो ओपन हो जाएगी। मैं जी क्लिक करता हूँ उस लिंक के ऊपर, लिंक जो मेरा है वो क्रोम के अंदर ओपन हो रहा है और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ले जी PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। बिल्कुल जी, ये फाइल पासवर्ड मांग रही है मेरा। तो बिल्कुल जी, ये मेरे सामने मेरे बैंक की जो स्टेटमेंट है पिछले 3 माह की वो शो हो चुकी है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।